शीतकालीन ओलंपिक की मशाल गुरुवार को रूस के उत्तरी कॉकेसस क्षेत्र में पहुंच गई। दुनिया भर का सफर तय कर चुकी ओलंपिक टॉर्च का ये 131वां पड़ाव है। जैसे ही ये टॉर्च शहर के सेंट्रल स्टेडियम पहुंची, खेल प्रेमियों ने भरपूर जोश के साथ इसका स्वागत किया। इस मौके पर परंपरागत ओसेशन गीत के साथ मशाल का स्वागत किया गया। करीब 30 एथलीटों के एक दल ने पूरे स्टेडियम में इस टॉर्च के साथ चक्कर लगाया। इस दल में रूस के 4 ओलंपियन भी शामिल हैं। इस बार उत्तरी ओशेशिया का तापमान -14 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गौरतलब है कि रूस का ये उत्तरी इलाका हिंसा और आतंकवाद के लिए सुर्खियों में रहा है। साल 2010 में 19 लोग इस क्षेत्र के व्यस्तम बाजार में हिंसा का शिकार हुए थे। गौरतलब है कि आतंकवादी हमले के मद्देनजर रूस के इस इलाके में करीब 37,000 सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की गई है। गुरुवार को सोची ओलंपिक खेलों के सुरक्षा प्रमुख ने दावा किया कि रूस की सुरक्षा एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के साथ मिलकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रही है। सोची ओलंपिक की ये मशाल 65,000 किलोमीटर लंबे सफर पर 123 दिनों की यात्रा पर है। इस दौरान ये रूस के कई शहरों का दौरा करेगी, जिसका मकसद रूस की सांस्कृतिक विरासत की झलक दुनिया को दिखाना रहेगा रूस के सोची में 7 फरवरी से शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत होने जा रही है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़।